ये आपको इसको पूरा पैक करना है। ये कौन सा भाग है मोटर का? ऊपर वाला ये चीज घूम रहा है। इसमें कौन सी बैरिंग लगी है? ये 62-1। कौन सी बैरिंग लगी है? 6002। और ये 6001। 6001। अच्छा, ये बताइए, और ये इसका जो घूमता है ये क्या है? रोटर है। रोटर है, बहुत सही। और ये इसका क्या है जिसमें वाइंडिंग करते हो? इसमें वाइंडिंग करते हैं। ये स्टेटर है। स्टेटर है। क्या है ये? स्टेटर। स्टेटर है। कितने पोल का है ये? 4 पोल का है। बहुत सही, ये 4 पोल की मोटर है। लेकिन आज आपको क्या सिखाने जा रहे हैं हम? मोटर की पैकिंग। पैकिंग सिखाने जा रहे हैं। अब आपके पास सारी इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है? है इंस्ट्रूमेंट। हम इस वायर को यहाँ से हटा दे रहे हैं। देखिए अनावश्यक फंस रहा है इस वायर को, यहाँ से हम इसको काट करके निकाल दें। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको यहाँ से हम हटा देंगे, अभी मौके पर इसका कोई काम नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास कि नहीं है? है सब कुछ ना इसका, लेकिन इसमें ये रॉड लगेगा। ये रॉड इसके तीनों ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तीनों रॉड इसके ये है। अब आपको पैकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? इस घाट में क्या करते हो? रोटर को भरते हैं। रोटर को डालते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगाते हो? यहाँ को लगाओगे? लगाओ, चलो लगाओ, लगाओ आराम से। ये ग्रीस क्यों लगाते हो? आसानी से। हाँ बिल्कुल सही, चलो। चलो ठीक, अब देखिए इसको चाहे इधर से पैक करो चाहे इधर से, कोई उल्टा सीधा नहीं है। लगाओ, चलो ऐसे लगाओ, चलो बहुत सही। अब ठोको इसको, हाँ चलो ठोको, हाँ चलो चलो, इधर इधर लगाओ, चलो उधर ठोको, उधर ठोको, ये सब बराबर ठोकते जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? चलिए ठीक, चलिए चलो एकदम बराबर कर दीजिए। हाँ यहाँ ही और जाएगा, मारो मारो कस्टमर, हाँ मारो, और इधर, और इधर, हाँ देखो, ये देखिए आपका ये पूरे तरीके से यहाँ लगा दिए हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये आपका स्टेटर इसके बॉडी में फिट हो गई है, आप देख रहे हैं ध्यान से। और इसके ये 4 वायर निकले हैं 1440 RPM की है, ये आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें 150 टन की 30 नंबर की एल्युमिनियम वायर थे, 22 इंची लंबा कॉयल बना लेते हैं, और 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार डाल करके 4 सिट की कॉयल को बना करके इसमें हम डालते हैं। और स्टार्टिंग वायरिंग की हम बात बताएं तो इसमें 21.5 इंच लंबी कॉयल बना करके 32 नंबर तार से इसको 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार डाला जाता है। इसलिए ये मोटर पूरा 1440 RPM की होती है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना होता है, अब आप देखिए इसको पैक करिए, पैक करके अंदाज से देखिए बराबर है नहीं बराबर है रोटर इसकी। ये पीछे वाला भाग इधर ले लेगा ना, उधर चलो पीछे वाला भाग ना, सीधा कर हाथ दो। देखो एकदम बराबर है रोटर, एकदम बराबर है ये। अभी थोड़ा ठोक करके इसको सही कर देंगे, देखिए एकदम बराबर है रोटर। अब इसमें क्या करना होता है, आगे वाला पैनल कहाँ है? ये है आपका आगे वाला, यहाँ है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब इसको बोल्ट को लगाओ, तीनों बोल्ट को लगाओ, सेंटर पे कर दिए है, लाओ तीनों बोल्ट को, हाँ डालो, Thank you.
इसको देखो यहाँ पे, अब आपको थोड़ा सा इसको बैठा देना है, ये टाइट करो, ध्यान से देखिए कि बिल्कुल छात एकदम स्मार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां इसको भी टाइट कर दीजिए, टाइट करिए इसको, चलो इसको टाइट करो, चलो हो गया, इसको भी टाइट करो, टाइट कर दो क्लास से बढ़िया से, बस 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 एकदम टाइट कर। देखिए ये मोटर इन्होंने आपके सामने वीडियो में पैक किया, देखिए, और ये फ्री भी है, नचा के दिखाओ ऑडियंस को, दिखाओ यहाँ नचा के दिखाओ, देखो मोटर नाच रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको चलाओ, लो कंडेंसर लो, ये कंडेंसर है आपकी, इसको चला के दिखाओ, ये सीरीज बोर्ड है आपका, देखिए अब ये मोटर हमारे विद्यार्थी चला के दिखाएगी आप लोग को, देखिए ये मोटर ऐसे सामने तुम्हारे किधर घूमेगी मोटर, ये किधर नाचेगी, इधर नाचेगी, इधर, जी जी इधर नाचेगी, है ठीक है, नचा के दिखाओ। देखिए ये छात्र हमारे ट्रेनिंग में है, अभी ये सीख रहे हैं, लेकिन देखिए आप कैसे कनेक्शन करते हैं, हम साइड में बैठ के इनको सिखा रहे हैं, इसी प्रकार की ट्रेनिंग हम देते हैं, और हम यहाँ पर ट्रेनिंग का कोर्स भी कराते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारा नंबर भी देख सकते हैं, इस प्रकार आप हमारे यहाँ पर क्लास ले करके भी पढ़ सकते हैं। आप देखिए देखिए मोटर को घुमा दो ताकि दिखाई दे, यहाँ मोटर को घुमा दो, यहाँ लगा दो कुछ, हाँ ठीक है, चलो ये सप्लाई है, सप्लाई लगाओ इसमें, देखो लगाओ सप्लाई कहीं सट गया इसमें, चलो लगाओ सप्लाई इसमें डायरेक्ट लगाओ, देखिए मोटर सीधी घूम रही है, ये मोटर सीधी घूम रही है, देखिए ये मोटर एकदम सीधी घूम रही है। अब इसको डायरेक्ट लगा करके देखिए, ये आवाज आ रही है थोड़ी सी आवाज आ रही है, बस ज्यादा नहीं, ये बेयरिंग की आवाज है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मोटर चल गई। इसी प्रकार से आपको पैकिंग करना होता है। धन्यवाद।